गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का डीएस इंग्लिश पाठशाला चैनल पर स्वागत है। और आज जैसा कि आप सभी को बताएं, हम लोग लास्ट वाली क्लास में जो न्यू टॉपिक है कंजंक्शन लिया था, यह रिट से संबंधित क्लास ले रहा हूं। और इस रिट से संबंधित क्लास का जो सेकंड टॉपिक है कंजंक्शन, उसका ये सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम वो चीज़ें सीखने जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम के अंतर्गत आती है। एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका पहला जो टाइप है, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ध्यान है, जो पहला क्वेश्चन का टाइप रहता है वो क्या होता है कि हमारे एग्जाम में जो पेपर आता है उसमें एक पैसेज दिया होता है, अनसीन पैसेज, 5 से 10 लाइन का अनसीन पैसेज होता है, उसी में से क्वेश्चन होता है। जो उसका पहला क्वेश्चन ये रहता है, या तो वो इस प्रकार से पूछ सकता है कि विच इज नॉट अ कंजंक्शन इन द फॉलोविंग्स, मतलब नीचे दिए गए में से कौन सा कंजंक्शन नहीं है। मतलब ऑप्शन में 4 होंगे तो 3 कंजंक्शन होंगे, एक नहीं होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए, दैट, बी, देन, सी, येट, डी, बट। अब ये चीज ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा कंजंक्शन नहीं है। तो मैंने कल एक चार्ट बताया था कंजंक्शन का, कौन कौन सा कंजंक्शन होते हैं। तो ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। स्टूडेंट्स गलत करने की कोशिश करेंगे कि देन भी कंजंक्शन होगा, क्योंकि देन एक वर्ड है, टी एच ए एन, ये कंजंक्शन होता है लेकिन ये नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। और एक टाइप हो सकती है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा तो क्वेश्चन उसने लास्ट वाले रीट का जो एग्जाम हुआ था 2017-18 वाला, उससे पूछा था, विच इज अ कंजंक्शन इन द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो है उन ऑप्शंस में से कौन सा एक कंजंक्शन है। तो क्वेश्चन दे सकता है ऑप्शन नंबर ए बिटवीन, ऑप्शन नंबर बी सम, सी देन, डी देन। इससे आप समझ सकते हो ये कंजंक्शन नहीं, ये नहीं, ये प्रेपोजिशन है, ये डिटरमिनर है, और ये एडवर्ब होती है, और ये क्या है, कंजंक्शन है। आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। ओके, अब हमारा जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे पूछता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसे आप आसानी से सीख लोगे, मैं एक एक करके आपको सिखाऊंगा। ये आप डेली लाइफ में कोई भी, जब भी इंग्लिश में बातचीत भी करता है तो वहां पर भी ये उनके लिए उपयोगी होंगे, तो इसे सीखने में आसानी होगी। जैसे रूल नंबर 1 की बात करें तो आसानी से ध्यान रखना कि एज के साथ हमेशा एज आता है और सो के साथ भी हमेशा एज आता है। इनका अर्थ लेते हैं हिंदी में, जितना उतना या जितना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एज गुड ब्लैंक शी। अब एक और सेंटेंस दे देता हूं, शी इज सो ब्यूटीफुल ब्लैंक हर मदर। अगर मैं यहां पर ऑप्शन दूं, ऑप्शन में मैंने ऑप्शन नंबर ए बिटवीन, बी दैट, सी सो, और डी में एज दे देता हूं। तो ध्यान दें, एज देख लिया तो एज के साथ एज ही अप्लाई करना है, सो देख लिया तो सो के साथ एज ही अप्लाई करना है। वह उतना अच्छा है जितना वह है, शी इज सो ब्यूटीफुल, वह उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी उसकी माँ है। एक और चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके बाद यदि वर्ब भर वाले, तो जो वर्ब इधर आ रही है ना वही इधर भर दें, शी इज, यहाँ जो आ रही है वही इधर भर दें। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये डिग्रीज की टॉपिक है दोस्तों, लेकिन डिग्री अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस में कंजंक्शन है, तो वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। देन रूल नंबर 2 की बात करेंगे, वह भी बहुत आसान होगा, आसानी से आप लोग उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। देखना क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको अदर मिल जाए या रेदर मिल जाए, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं उसके पीछे ER लगा हुआ मिल जाए, तो हमेशा आपको इसके बाद देन का यूज करना होगा। देन का हिंदी अर्थ यहाँ की अपेक्षा होगा। एक सेंटेंस देखते हैं, रूल नंबर 2, आई वुड रेदर,
अब ये वुड रैदर जो एक फ्रेज है, या वुड रैदर की जगह बेटर भी हो सकता है, सुनर भी हो सकता है, ठीक है ना। परंतु इसका अर्थ होगा पसंद करूंगा या पसंद करूंगी। आई वुड रैदर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा। वो यहां ब्लैंक देगा, खाली जगह है। बेग, बेग मीन्स भीख मांगना, तो मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। ऑप्शन में क्या आएगा, जो भी ऑप्शन होंगे चार, उनमें से आपको आसानी से चूज कर लेना होगा। देन एक और सेंटेंस में दे सकता हूं, आई हैव नो अदर, आई हैव नो अदर फ्रेंड ब्लैंक यू, मेरा कोई अन्य मित्र नहीं है तुम्हारी अपेक्षा। मतलब क्या जाएगा, देन कैसे फाइंड आउट किया, अदर देन। ठीक, एक और चीज ध्यान रखना, यदि आपको जब भी कोई कंजंक्शन कर भरना है तो वो कभी मोर भी दे दे, या मोर। मैंने कहा शी इज मोर ब्यूटीफुल, हर सिस्टर, तो यहां पर भी क्या जाएगा, देन, कि वह उसकी सिस्टर की अपेक्षा ज्यादा सुंदर है। तो इस प्रकार जो ये सेकंड रूल है, ये बहुत आसान है, आप आसानी से अदर वेदर को देखते हुए देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो रूल नंबर थ्री होगा, रूल नंबर थ्री यह भी बहुत इजी होने वाला है, इसे हम सीखते हैं। रूल नंबर थ्री क्या होता है, एक तरफ ऑल दो होगा, और ऑल दो, और या फिर हम कहें दो, इसके साथ हमेशा यट का यूज करेंगे। इसका हिंदी अर्थ होता है यद्यपि, इसका हिंदी अर्थ होता है तथापि, या बोलने में आए तो फिर भी। तो ये फिर जो शब्द है, इसको देखते हुए स्टूडेंट्स ज्यादातर देन का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन ये जो देन का यूज आप करते हो ये गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑल दो या दो आए, आपको हमेशा यट का इस्तेमाल करना है। एक सेंटेंस देखते हैं, मैंने कहा Although I have money, यद्यपि मेरे पास पैसा है, यद्यपि I have money, blank या खाली जगह यहां पर आ गया है, स्पेस, I don't have a car, यद्यपि मेरे पास पैसा है फिर भी मेरे पास कार नहीं है। तो क्या, यट, ये हमें मन से नहीं भरने होंगे, वो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, और चार ऑप्शन होंगे, कोई सा भी दे दे, ऑल दो के साथ हमेशा यट आएगा। दिस इज ऑलवेज राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न, दैट वेन समथिंग इज फाउंड बिफोर द सेंटेंस एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन यू आर टू चूज द कोरिलेटेड वर्ड। ये आसान है, एक से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द फील करना। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट होगा रूल नंबर फोर का, उसको हम सीखेंगे। ये जो नेक्स्ट वाला रूल है, रूल नंबर फोर, ये बहुत इजी है, इसको भी आप जिस प्रकार से कोरिलेट करके अदर रूल्स को सीख रहे थे, ऐसे ही इसे को भी सीखेंगे। सेल्डम, रेयरली, स्केयर्सली, हार्डली और नेवर, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो नेगेटिविटी बताती है, नहीं का बोध करवाती है। कभी कभार, दुर्लभता से ही, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, कभी नहीं। आपको यदि ये सेंटेंस में दिख जाए और कंजंक्शन अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करोगे, वेन या फिर बिफोर, दोनों कंजंक्शन में से कोई सा भी कंजंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों का अर्थ एक ही होगा। आई सेल्डम स्पीक इंग्लिश वेन आई मीट हर, आई सेल्डम स्पीक इंग्लिश मतलब मैं कभी कभार ही अंग्रेजी बोलता हूँ, वेन आई मीट हर कि उससे मिलता हूँ। मतलब यहाँ पर बिफोर भी अप्लाई कर सकते हो, बिफोर का अर्थ पहले नहीं होगा, वेन का अर्थ जब नहीं होगा या की होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, सो आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। वैसे आज का कंजंक्शन का जो सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका आज अंतिम रूल है। ये रूल क्या है, ये हमें ध्यान रखना है कि एक वर्ड आता है नो सुनर, नो सुनर अगर आ गया तो नो सुनर के बाद हमेशा हम देन अप्लाई करेंगे। नो सुनर आ गया तो क्या अप्लाई करेंगे, देन, जो ही
और इसका इन दर्थ हो जाएगा त्यों ही। एक सेंटेंस देखना, नो सुनर ही। अब यहां मैं एक इन्वर्जन करूंगा, पहले समझना। डिड ही, नो सुनर डिड ही कॉल मी, जो ही उसने मुझे पुकारा या बुलाया, देन आई रैन अवे, मैं भाग गया। अब यहां पर ध्यान देना, नो सुनर दिख जाए आपको तो देन बनना है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन एक शब्द है, टेक्नोलॉजिकल टर्म है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो एक ऑर्डर होता है ना, अपना सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगी, ये ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आए। तो ये नो सुनर जब भी सेंटेंस में आता है तो ये इन्वर्जन करता है सेंटेंस का, ये वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में। इन्वर्जन हमेशा सेंटेंस में जोर देने के लिए, किसी भी बात पर जोर देने के लिए करते। जैसे इसको अगर हम तरीके से पढ़ेंगे ना, नो सुनर डिड ही कॉल मी, नो सुनर डिड ही कॉल मी, जो ही उसने मुझे बुलाया या पुकारा, देन आई रैन अवे, तो मैं त्यों ही भाग गया। इस प्रकार से इम्फेटिक, मतलब इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए इन्वर्जन किया जाता है। आप आसानी से समझ गए होंगे रूल नंबर 5। और आज के लिए हम इन 5 रूल्स के साथ में यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को शेयर करते रहिए, बताते रहिए, और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।